ये घूंघट किस खुशी में डाल लिया? धूप लग रही है इसकी। अच्छा पहले मतलब बच्चे छोटे थे तो ऐसे होता है उनके ऊपर ऐसे डाल देते हैं मम्मी पापा बोलते हैं। रात में साड़ी पहनी थी, देखिए वो डली हुई है, सब ऐसे पूरा घर फैला पड़ा है। ये देखिए पंडित जी की, देखो धोती डली हुई है। पहन पहन के लोग इस तरह से कपड़े पहनते हैं। चाय वगैरह पीने के बाद बस यहाँ पर झाड़ू पोछा की जो है ना मैं तैयारी कर रही हूँ। झाड़ू पोछा करने के बाद जो है ना आज गोवर्धन की भी मुझे पूजा करनी है, तो गोवर्धन पूजा की भी जो है ना आज हमारे यहाँ तैयारी होगी। तो आज बहुत अच्छा अच्छा खाना जो है ना गोवर्धन पूजा वाले दिन मनाया जाता है। कच्चा खाना हमारे यहाँ बनता है, कढ़ी चावल कुछ चनिया और पापड़ रोटी, इस तरह का देखिए भोजन हमारे यहाँ बनता है। वैसे बहुत सारे लोगों के यहाँ तो आज जो है ना आज के दिन अन्नकूट भी बनता है, तो अपने अपने घर की परंपरा है। हमारे घर की देखिए यही परंपरा है, तो हमारे यहाँ यही बनाया जाता है। वैसे हर साल जो है ना हम गोवर्धन पूजा पर गांव जाते हैं, गांव में हमारे बहुत अच्छा लगता है और उस खाने का जो मज़ा है ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो पिछली बार जो है ना हम लोग गांव गए थे, इस बार नहीं जा पाए क्योंकि सास की जो है ना तबीयत ठीक नहीं है, उनकी जो है ना अब बस की नहीं रही है जाने की। वैसे अगर वो पहुँच जाती है ना तो हम सब लोग चले जाते हैं, कोई बड़ा बूढ़ा अगर घर में पहुँच जाता है ना तो उससे बहुत ज़्यादा रौनक होती है। वो ही नहीं जा रही थी तो फिर हम लोग जाकर क्या करते, वो रौनक भी जो है ना नहीं रहती। तो बस यहाँ पर जो है ना अपने अपने घर पर जो है ना सभी गोवर्धन पूजा की, देखिए त्यौहार तो मनाने पड़ते हैं चाहे हम अकेले बनाएं या सबके साथ बनाएं, लेकिन त्यौहारों का सगुन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबके साथ बनाते हैं तो उसकी खुशी जो है ना दुगनी हो जाती है। तो बस इस बार जो है ना अकेले ही बना रहे हैं, वो मज़ा तो देखिए नहीं आता क्योंकि जो सबके साथ मनाने की जो खुशी होती है ना उसकी बात कुछ अलग होती है। तो जल्दी जल्दी मैंने बस घर के काम निपटाए, उसके बाद जो है पंडित जी और मैं गोवर्धन बनाने के लिए जो है ना छत पर गए। मनाना और बनाना जो दोनों शब्द ऐसे हैं कि मुझसे एक हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, जहाँ बनाना बोला जाता है वहाँ मैं मनाना बोल देती हूँ। तो इस चीज़ में जो है ना कन्फ्यूज़न मत हुआ करें क्योंकि आदत पड़ चुकी है सारी चीज़ों बोलने की। और यहाँ पर देखिए पंडित जी जो है ना गोवर्धन बना रहे हैं, मैंने तो देखिए आज तक नहीं बनाए। मायके में जो है ना मेरी दादी बनाती थी और ससुराल में जो है ना मेरी सास बनाती थी, तो मुझे जो है ना कभी बनाने की जो है ना ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर पंडित जी को आते हैं तो वही बना देते हैं, तो बहुत छोटे से बनाए क्योंकि गोबर जो है ना मिल नहीं पा रहा था। उसके बाद जल्दी जल्दी स्नान किया और यहाँ पर आ गई हूँ मैं दाल वगैरह पीसने, क्योंकि जो है ना लाइट का कोई भरोसा नहीं है, तो हार वाले दिन अक्सर लाइट जो है ना गोल हो जाती है। तो फटाफट जल्दी जल्दी मैं यहाँ पर दालों को पीस लूँ, पता चले कि लाइट ही चली जाए और खाना जो है ना अधूरा छूट जाए। तो दालों के बिना जो है ना आज का खाना नहीं बनता, क्योंकि आज के दिन जो ना बरे बनाए जाते हैं, यानी उड़द की दाल की, जिसे बरा भी बोलते हैं और चनिया भी जो है ना हमारे यहाँ बोला जाता है। चौंकने के बाद जो है ना मैं पूजा करने जाऊंगी, क्योंकि कड़ी को बनने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, इस वजह से जो है ना मैंने पहले ही इसे छोंक दिया था, यानी इसको बघार दिया था, हमारे यहाँ इसको छोंकना बोला जाता है, और दाल वगैरह जो है ना पीस के रख दी है। इस तरह से देखिए वो जो है ना मैं आपको बता रही थी ना उड़द की दाल की चनिया, देखिए इस तरह से बनाई जाती हैं। इसे ना कई जगह जो है ना इसको बड़ा भी बोला जाता है। तो उड़द की दाल को इस तरह से पन्नी पे जो है ना गोल गोल में फैलाकर जो है ना तेल में यहाँ पर सेक लिया, और ये जो है ना मैं बना रही हूँ कुछ ही से ना मूंग की दाल से बनाया जाता है। सबसे पहले मैंने मूंग की दाल की पकौड़ियाँ बनाई और उसको जो है ना इस तरह से मैंने बघार दिया। इसके बाद जो है ना मैं रायते में बघार लगा रही हूँ, और गाँव में जो है ना रायते में जो है ना उसका बघार लगाया जाता है, दिए से बघार लगाया जाता है। भाई साहब कितना स्वादिष्ट स्वाद होता है ना उसका, क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब उसका तो मतलब वो स्वाद जो है ना शहरों में तो आ ही नहीं सकता। तो इस तरह से देखिए काम चलाओ स्वाद बनाती हूँ, मतलब थोड़ी सी आग जो लग जाती है ना उससे बढ़िया स्वाद आता है। इसके बाद जो है ना यहाँ पर देखिए मटके में जो है ना कढ़ी बनाई मैंने, मटके की कढ़ी जो है ना बहुत टेस्टी होती है, देखते ही ना मुंह में पानी आ रहा था, बहुत वाकई में मतलब तारीफ़ के काबिल होती है, बहुत टेस्टी जो है ना कढ़ी बनी थी। तो इस तरह के मटके में मैं तो हमेशा कढ़ी बनाती हूँ, और गांव की कढ़ी जो है ना उसकी तो बात ही जो है ना कुछ अलग होती है। यहाँ पर डाल दिया थोड़ा सा मैंने गरम मसाला, ये जो है ना
सोफे की गद्दी थी तो इसको जो है ना मैंने इस तरह से लगा दिया है। जब भी कभी इन्हें पूजा वाले कमरे में बैठते हैं ना तो यहाँ पर ऐसे इस तरह से हम बैठ जाते हैं और सामने है मंदिर और यहाँ बैठकर जो ना अधिकांश से मैं अपना काम वगैरह करती हूँ। ऐसे यूट्यूब वगैरह का कोई काम होता है ना तो यहीं बैठे करती हूँ, इसमें आराम रहता है। आवाज़ भी इस कमरे में थोड़ी सी कम होती है क्योंकि वहाँ टीवी वगैरह चलती रहती है ना तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, तो अच्छा लगता है इस जगह बैठना। और खाना वगैरह बन गया है, पंडित जी गए हैं ऊपर पूजा करने क्योंकि हमारे यहाँ ना आंगन नहीं है। तो वैसे तो जो है ना गोवर्धन की पूजा आंगन में की जाती है लेकिन हमारे आंगन नहीं है ना तो फिर वो छत पे पूजा कर रहे हैं। तो चलिए आपको लेकर चलती हूँ छत पर। और काम जो है ना पूरी तरह से हो चुका है। और ये जो सूट आप देख रहे हो ना इसको ना मैंने साड़ी से बनवाया था, तो साड़ी से 3-4 सूट मैंने बनवाए हैं तो कभी किसी वीडियो में शेयर करूँगी। वैसे सोच रही थी आप लोगों के साथ शेयर करूँ लेकिन फिर शेयर कर नहीं पाई। ये है, ये सूट है, इसकी मैंने चुन्नी बनवा दी थी ट्राउज़र के लिए जो है ना अलग से कपड़ा लिया था और सूट जो है ना इसमें से बनवाया था, पता उसी लेस लगवा दी। अच्छा है, कंफर्टेबल है, गर्मी मतलब मेरे को जरा कंडा दे देना, एक कंडा चाहिए। क्यों यहाँ पर देखिए पूजा हो चुकी है शुरू। और इस तरह से देखिए सारे खाने को जो है ना मिक्स करके इसमें बहुत सारा घी डालकर और शक्कर डालकर जो है ना लड्डू बनाकर जो है ना गोवर्धन की नाभि में जो है ना रखा जाता है। इसका ही जो है ना आज के दिन प्रसाद बढ़ता है हमारे घर पर। तो हाँ ये तो देखिए हमारे घर के नियम है और शायद काफ़ी लोगों के घर में इसी तरह से बनता होगा। तो देखिए सब जगह की जो है ना अलग अलग परंपराएं होती हैं, तो हमारे जो है ना इस तरह से जो है ना इसी का प्रसाद बांटा जाता है और पूजा करने के बाद जो है ना कम्बल से ढक दिए जाते हैं गोवर्धन जी महाराज। उसके बाद जो है ना दूध से यहाँ पर परिक्रमा दी जाती है। तो देखिए हो रही है यहाँ पर परिक्रमा। खुशी में डाल लिया अच्छा फिर अभी बच्चे छोटे थे तो ऐसे होता है उनके ऊपर ऐसे डाल देते, मम्मी पापा बोलते ता फिर क्या होता था बोलते थे तो मैं कह रहा हूं ता नहीं बंद नहीं बोलवा दी ना तो वहां को ऐसे देख दे बड़ा बात है जो वो देख दे वहां को ऐसे वो ऐसे नहीं कर पाती थी नहीं कर पाती देख दे ऐसे देख देते लंबा इतना लंबा घूम पहले ना बंगा होती थी ऐसी गहरी वाली नींद आई है। देखो एक सोने वाले शख्स ये भी सो कर उठ रहे हैं, मैं भी बहुत गहरी नींद में सो गई थी क्योंकि ये तो ना रात में बहुत 3 बजे सोए थे। हिरम अभी भी सो रहा है देखो यहाँ पर। हिरम उठ जाओ उठ जाओ, 3:30 बज गए। हिरम उठो, और मैं बना के लाई हूँ अभी अभी चाय, चाय पियेंगे। चलो चाय ज्यादा तो बना के लाई हूँ, ज्यादा बना के लाई हूँ। तो बस अब जा रहे हैं अपनी सास से मिलने। कल दीपावली वाले दिन जा नहीं पाए क्योंकि पूजा पाठ में जो है ना बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, तो सोचा चलिए आज चलते हैं क्योंकि त्यौहार वाले दिन जो है ना बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद जो है ना लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो बस वहाँ पर जा रहे हैं मिलने और चेहरे को जो है ना थोड़ा सा मैंने ठीक कर लिया। कपड़े यहाँ पर मैंने चेंज नहीं किए हैं क्योंकि मन नहीं कर रहा सच में कपड़े बदलने का। जैसे कपड़े पहने थी ना उसी कपड़ों में जा रही हूँ। गाँव जब जाती हूँ जब मैं साड़ी पहन कर जाती हूँ लेकिन यहीं रहती हैं पास में, तो फिर मैं सूट में ही चली जाती हूँ। तो बस हमारे घर से थोड़ी ही है, बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है। तो बस चलिए आपको मिलवाती हूँ आपसे अपनी सास से। पानी, पानी, पानी आ गए।
ठीक है जो ही कहू जो तुम्हें काम देखो कम से कम दो तीन तोला तो होगी हैं चार चुड़ियां है देखो दो दो और तीन और चार तो दो तोला तो होंगी कम से कम हैं अबे तू ये लमके में बता रही तुम अबे निवान तो पहुंच भी जाने तो बस वहाँ से आ चुके हैं हम अपने घर पर। और देखिए मैं आपको एक खास चीज़ बताती हूँ, देखिए हमारे घर पर त्योहारों पर बर्तनों का ढेर, भाई साहब इतने बर्तन होते हैं त्योहारों पर बहुत ज़्यादा। तो फटाफट जल्दी से मैं बर्तनों को साफ़ करती हूँ, उसके बाद जो है ना दिया बाती का टाइम हो जाएगा, तो फिर पूरे घर में जो है ना आज दीपक भी लगाने हैं। हमारे यहाँ जो है ना 10 तक दीपक लगाए जाते हैं, तो आज गोवर्धन है, आज भी दीपक लगेंगे और दौज वाले दिन भी जो है ना हमारे यहाँ दीपक लगते हैं। तो बस यहाँ पर किचन में जितने भी बर्तन हैं सारे बर्तनों को फटाफट जल्दी से समेटती हूँ और लगाती हूँ फटाफट सबको दिए। तो इस तरह से देखिए किचन में दहलीज पर, गोवर्धन पर, तुलसी पर, सब जगह जो है ना दीपदान किए जाते हैं, क्योंकि कार्तिक के महीने में जो है ना दीपदान का विशेष रहता है। और यहाँ पर देखिए पंडित जी की स्टार्ट हो चुकी है पूजा। और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको हमारी फैमिली पसंद आती है और हमारे द्वारा दिखाई गई ज़िंदगी अगर आपको पसंद आती है तो लाइक इसे ज़रूर करना।